पास बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन हमें उन पेड़ पौधों की जानकारी नहीं होती है। तो वहीं बहुत से पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो औषधीय दृष्टि से भी काफी कारगर माने जाते हैं। तो वहीं उन्हीं में से एक है कटहल का वृक्ष। कटहल का यह वृक्ष ऐसा वृक्ष है जो ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक सहित कई बीमारियों का काल कहा जाता है। इसके अलावा शुगर के मरीजों के लिए भी यह काफ़ी फायदेमंद होता है। इस वृक्ष का सेवन करने से शुगर कंट्रोल रहता है, हार्ट अटैक के चांसेस कम रहते हैं। इसके अलावा अन्य कई बीमारियों में भी यह काफ़ी फायदेमंद होता है। मुरादाबाद के दयानंद डिग्री कॉलेज में वनस्पति विज्ञान की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सीमा ने बताया कि यह सालों साल चलने वाला प्लांट है। पूरी तरह से एवरग्रीन है, हमेशा हरा भरा रहने वाला प्लांट है। इसका फल जैसे हम कटहल के रूप में जानते हैं, वह उत्तर भारत में सब्जियों के रूप में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसे फल के रूप में बहुत अच्छे से खाया जाता है। इसका बॉटनिकल नेम ओटोकॉर्पस हेटरोफिलस है। इसके साथ यह मोरेसी फैमिली का सदस्य है। किस तरह का वृक्ष है और क्या इसके फायदे हैं? ये एक पेरिनियल प्लांट है जो कि सालों साल चलता है, एवरग्रीन है, हमेशा हरा भरा रहता है। और इसके जो फ्रूट्स हैं जिसे हम जैक फ्रूट के नाम से जानते हैं, ये कटहल के नाम से जानते हैं, इसके फ्रूट जो है सब्जी उत्तर भारत में सब्जियों के रूप में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसको फल के रूप में भी बहुत अच्छे से खाया जाता है, लोगों को बहुत पसंदीदा है। इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है आर्टोकार्पस हेट्रोफाइलस और फैमिली है इसकी मोरेसी। इसके वेजिटेबल का जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो तो है ही, साथ ही इस फ्रूट्स के इस पूरे पेड़ की जो है अपनी मेडिसिनल वैल्यू भी है। एक तो ये इसका जो फ्रूट होता है वो विटामिन बी से भरपूर होता है, विटामिन B12 की अधिक मात्रा में मिलता है और ये ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है और ब्लड शुगर को भी ये रेगुलेट करता है। इसके अंदर ग्लाइसिन इंडेक्स बहुत कम होने की वजह से ये हमारे मधुमेह को बढ़ने नहीं देता। जो डायबिटीज़ होती हैं उन पेशेंट को अगर ये लोग सब्जी खाते हैं तो उनकी इस सब्जी के खाने से उनकी जो शुगर लेवल है, ब्लड शुगर लेवल है, वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ता। और पोटेशियम का अच्छा सोर्स है, डायबिटीज़ और हार्ट स्ट्रोक में ये बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें ये कोलेस्ट्रॉल को बनने से रोकता है, इसलिए जो है हार्ट अटैक के जो चांसेस हैं वो भी बहुत कम करता है। और बहुत ज़्यादा फाइबर्स होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो इसके जब हम सब्जी खाते हैं इसके तो हम एक्चुअली इसके फाइबर्स ही खाते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन को साफ रखते हैं और हमारे डाइजेशन को मजबूत करते हैं और ब्लड कोलेस्ट्रॉल को ये जो है बिल्कुल भी आगे बढ़ने नहीं देता, जिसकी वजह से हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटीज़ को बहुत कम हो जाती हैं। सब्जी के रूप में इसका सेवन करिए और वैसे जो है इसकी सब्जियों के ही ज़्यादा गुण है, इसके बीज इतने फायदेमंद हैं उनको हम अवॉइड कर सकते हैं, बीज भी सब्जी के साथ ही खाए जाते हैं लेकिन बीज इतने फायदा नहीं देते, लेकिन जो सूते होते हैं इसके जो रेशे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। जब अगर हम फ्रूट के रूप में खाते हैं, आप कर्नाटका में जाइए या उत्तर भारत में जाइए, बिहार साइड में जाइए, तो आपको ये फ्रूट की तरह यूज़ होता है, जैसे हम लोगों के यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये वेजिटेबल की तरह यूज़ होता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसका हम सेवन जो करते हैं वो एक फ्रूट के रूप में करते हैं। जब ये पक जाता है तब ये बहुत टेस्टी भी हो जाता है, मीठा हो जाता है और इसको खाने से अगर हम जब कच्चा खाते हैं, जैसे हम वेजिटेबल खाते हैं तो मसाले सारे डालते हैं, वो थोड़े से इतने फायदेमंद नहीं होते, काफ़ी भुना माना जाता है, लेकिन अगर हम फ्रूट के रूप में खाते हैं तो ये हमारी अनिद्रा को भी रोकता है। जैसे बहुत से लोग पिल्स खाते हैं, स्लीपिंग पिल्स लेते हैं सोने के लिए, तो अगर हम रात को कटहल का सेवन करके शाम को कटहल का सेवन करके सोते हैं तो हमें निद्रा की हमारी जो स्लीप होती है वो बड़ी साउंड स्लीप होती है और अनिद्रा की जो बीमारी है उसको कम करता है।